थाने सरकार न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं महेश मूलचंदानी। आज हम बात करेंगे कल्याण लोकसभा क्षेत्र की। कल्याण लोकसभा क्षेत्र में मुमरा, कलवा और कोसा जैसे कई शहर आते हैं, उसमें हम आज बात करेंगे कोसा की। कोसा में नूरबाग हाल में राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस अगाड़ी का उम्मीदवार बाबाजी पाटिल की तरफ से एक वहां पर कार्यकर्ता मेलावा किया गया था। वहां पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहां पर आमदार जितेंद्र अवाट और बाबाजी पाटिल के साथ तमाम वहां पर राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस अगाड़ी के तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे। बाबाजी पाटिल ने अपने ओर से शिद्दत से और सभी मुसलमान भाइयों को अपने तरफ से एक अपने पार्टी के ओर से उनको आकर्षित करने के लिए बहुत सारे वादे किए और उन्होंने कहा कि मुझे मुमरा और कलवा और कोसा क्षेत्र से काफी मुझे उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो आमदार जितेंद्र अवाट जिन्होंने मुमरा का नक्शा बदल दिया है 10 सालों में, अगर आप मुमरा जाएंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम जहां पर खड़े हैं वह मुमरा क्षेत्र है। तो जितेंद्र अवाट ने वहां पर इतना काम किया है जो बाबाजी पाटिल ने अपने भाषण में उन्होंने कई बार जितेंद्र अवाट का धन्यवाद किया और कहा कि आपने जो विकास कार्य किया है आपके मार्गदर्शन में मैं यहां पर चुनाव लड़ने आया हूं और आप लोग की ताकत है जो मुझे आने वाले चुनाव में मुमरा और कलवा कोसा से बारी लीड दिलाएगी। आइए हम जानते हैं क्या उसके बाद बाबाजी पाटिल ने वहां के स्थानियों को कौन से वादे किए और क्या कहा और वहां के आमदार जितेंद्र अवाट ने जनता को वहां के लोग उनके तरफ से कितने प्रभावित हुए और आने वाले दिनों में बाबाजी पाटिल को वहां से कितने मत मिलते हैं ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जरूर कहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो वहां के शिवसेना पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी है और उनका मुकाबला बाबाजी पाटिल के साथ है, ये मुकाबला हल्के में आंकना नहीं चाहिए क्योंकि बाबाजी पाटिल आगरी समाज से है। तो ये जो आगरी समाज का जो कार्ड है ये इस कल्याण क्षेत्र में इतना काम कर पाता है ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा और बाबाजी पाटिल को राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और मुस्लिम भाइयों का उनको समर्थन प्राप्त है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बाबाजी पाटिल, क्या कहते हैं वहां के आमदार जितेंद्र अवाट जी। देखते रहिए हमारे साथ थाने सरकार न्यूज। अवाट साहब ने मेरे को पवार साहब के पास लेके गया और मेरे को इतना बड़ा उम्मीदवारी दी तो मैं ये लेने के लिए डर मेरे को बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव मैं आपको सबको साथ में लेके लड़ रहा हूँ। मेरे को पूरा विश्वास है, कलवा मुमरा में आदरणीय अवाट साहब 2009 से एमएलए हैं और 2009 से साहब अकेला एमएलए होके भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि 25 साल पहला जो मुमरा नहीं था ये 10 साल में जो काम किया है ये कोई यकीन नहीं कर सकता कि 10 साल पहला मुमरा में कोई आयला आदमी देखेगा तो वो बिल्कुल भूल जाएगा कि ये मुमरा ऐसा हुआ कैसा। और इसके लिए अभी भी साहब इधर एमएलए है और एमपी दूसरे पार्टी का है तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहे और अब एकजुट से सब मेरे को चुन के देंगे तो यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस के आमदार और यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमपी अगर रहेगा तो मुमरा का काया पलट होने भी ना रहेगा नहीं, ये मैं आपको वचन देता हूँ। भाई और बहनों, कलवा से अंबरनाथ तक बहुत बड़ा इलाका है और उसमें 20 लाख वोटर्स है। आप तो मेरे को वोट देने वाला है उसमें मेरे को दिल भर शंका नहीं है, लेकिन आपके दोस्त मित्र परिवार सगे सोहरे रिलेटिव कोई फ्रेंड्स अंबरनाथ में होंगे, उल्लासनगर में होंगे, डोंबोली में होंगे, कल्याण में होंगे, कलवा में होंगे, मैं आपको अपील करता हूँ कि आप उनको रिक्वेस्ट करो कि अपना ही भाई बाबाजी पाटिल खड़ा है और आपका एक कीमती वोट 29 तारीख को अपना डाल दो। मैं
101% चुन के आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मुंबरा कलवा वासी जिसके पीछे है ये हरियाला आदमी मैंने कभी देखा नहीं। तो इसलिए मैं आपको वापस विनंती करता हूँ कि 29 तारीख को मेरे को एक आपका कीमती वोट, आपका तो एक है लेकिन आपके साथ एक एक मतदाताओं ने 100-100 वोट जमा करके देना है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और आपका बहुत रिलेटिव है। आप रिक्वेस्ट करेगा उनको कि बाबाजी पाटिल हमारा कॉरपोरेटर है और इतना जल्दी उनको प्रमोशन दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल में किसी को प्रमोशन नहीं मिलता। सरकारी नौकरी में होएगा तो भी 3 साल में प्रमोशन मिलता है, लेकिन मेरा भाग्य अच्छा होगा आप मेरे साथ में है और 2 साल में इतना बड़ा प्रमोशन हो रहा है और अल्लाह के मेहरबान से जरूर होगा, इतना विश्वास देके मैं मेरा 2 शब्द संकल्प करता हूँ। जय जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। आपने देखा होगा रफीक भाई, मैं भी आपसे बोलता, पत्रकारों से भी बोलता हूँ कि मैंने बंबई के नवभारत टाइम्स के अंदर पढ़ा था कि उमर खालिद फरार हो चुका है और कश्मीर के रास्ते से वो पाकिस्तान पहुंच गया। नजीब नहीं, नहीं नजीब नहीं, ये लड़ाई ऊपर वाला मेरे से लड़वा रहा है, वरना इतनी जुनून के साथ कोई लड़ता नहीं है। महाराष्ट्र को मुझे गर्व है, जो 2-4 आवाज मोदी के खिलाफ निकलती है उसमें ये बंदा आपका भाई हमेशा बोलती रहता है, क्योंकि मुझे मोदी दुश्मन नहीं है मेरा। ये जो विचारधारा है, जो हिटलर की विचारधारा थी, वो विचारधारा देश को एक नहीं रख सकती। ये विचारधारा देश में अमन और शांति नहीं ला सकती। एक नहीं अनेक अखलाक होंगे, एक जुनैद नहीं अनेक जुनैद जाएंगे अगर हम सतर्क नहीं रहे तो। आप जुनैद अखलाक की बात ठीक, दाभोलकर तो उसका जात वाला था ना, कलबुर्गी उसका जात वाला था ना, हिंदू था ना, गौरी लंकेश हिंदू थी ना, पानसरे हिंदू था ना, जितेंद्र आवार हिंदू है ना, फिर भाई हमको क्यों मार रहे हो? आपकी दुश्मनी मुसलमानों से है तो मुसलमानों से मारो। उनकी दुश्मनी हर एक उससे है जो उनके विचारधारा के खिलाफ है। ये कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये तो हथियार इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन ये सत्ता में आएंगे ये सिर्फ मनुवाद का बात करेंगे, और ये मनुवाद, आप मुसलमान महिलाएं तो बहुत सुरक्षित है, आपको मालूम नहीं है, ये तो अब आपको बताया जा रहा है कि मुसलमान भाई करना का ही अधिकार नस्ता, ये बहुत गलत है। अगर सबसे ज्यादा इतिहास में बेइज्जती किसकी हुई है तो वो हिंदू महिलाओं की हुई है। इनको ना घर से बाहर निकलने को देते थे, ना उनको पढ़ाई अलाउड थी, कोई पढ़ने नहीं देता था, स्कूल में जाने नहीं देता था, बचपन में शादी हो जाती थी, अगर पति मर गया तो उसके पास उसके सती चढ़ जाना पड़ता था, बाल खींच के निकालने पड़ते थे, टक्कल करना पड़ता था। उसको हमारे महात्मा फुले ने बाहर निकाला और उनको मुख्य धारा में लाया। तो ये सब तमाम बातें हैं और उसके खिलाफ है ये लोग। तो आप हिंदू और मुसलमान मत सोचिए, ये जितने मुसलमानों के खिलाफ है उतने ही जो हिंदू औरतों के बारे में बात करते हैं, जो हिंदू प्रोग्रेसिव बात करते हैं उनके भी खिलाफ है। और हम सब भाईचारा जो हमें गांधी जी ने सिखाया है उसको पसंद करते हैं। तो भाइयों, ये लड़ाई गटर मीटर, कोई आपको पूछेगा कब्रिस्तान को क्या हुआ, बोला 1 साल के बाद बोलता हूँ, पूछेगा गटर का क्या हुआ, बोला 1 साल के बाद बोलता हूँ। लोगों को नहीं चाहिए ये, तुमको चंद यहाँ पे जो 10 व्हाट्सएप, हाँ ये अच्छा एक वर्ड निकाला है किसने, तो व्हाट्सएप पैया, क्या किसने मुझे भेजा था यार, व्हाट्सएप पैया कुछ तो भी भेजा था, व्हाट्सएप पैया, बोले 10 व्हाट्सएप पैया जो करेंगे उनको छोड़ दो अपने हालात पे, एक आधा चप का एक कप का उनको पैसा भेज दीजिए महीना भर का, वो अपना काम करते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहो, किसी भी व्हाट्सएप का जवाब मत देना, कोई भी अफवाहों के ऊपर मत जाना, कोई तुम्हारे मुंह से लगे मत लगना। 27 दिन बाकी है, 27 भी नहीं, अभी तो 23 दिन बाकी है, एक ही निशाना है हमको, बाबाजी पाटिल को यहां से 80,000 वोट मिला के देने हैं, वो मिला के